हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि क्लास 10th के ऑप्टिक्स चैप्टर का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हमें क्लास 12th में भी पड़ेगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक पैरामीटर होता है जो कि ये बताता है कि किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से होकर लाइट कितनी तेजी से पास हो सकती है। ठीक है, ये एक नंबर होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 या 1.3, 2.7, 3.1, इस तरह से। ठीक है, नंबर जितना ज्यादा होगा किसी मीडियम का, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का जितना ज्यादा होगा, उसमें स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास मान लीजिए दो मीडियम है, ए और बी। ए में स्पीड ऑफ लाइट है मान लीजिए 300 मीटर पर सेकंड, बी में है स्पीड ऑफ लाइट 500 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा है? बी में, है ना? तो बी को हम ऑप्टिकली रेयरर मीडियम कहेंगे, और ए को जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है बी के रिस्पेक्ट में, उसको हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहेंगे। ठीक है, तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। ठीक है, सिंबल की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बहुत सी बुक्स में आपको इस टाइप का सिंबल दिखेगा, जिसे हम म्यू कहते हैं। ठीक, या फिर ये ईटा, एन को थोड़ा सा लंबा करके लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मूले की हम बात करें या तो फॉर्मूला जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में सी बाय वीएम। ठीक, यहां सी क्या है? यहां सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वीएम होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसी मीडियम का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व की गई कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम में होता है वो मैक्सिमम होता है, और वैक्यूम के अलावा किसी भी दूसरे मीडियम में जब स्पीड ऑफ लाइट होगी तो वो कम हो जाएगी। ठीक, तो क्लियर है कि सी जो है वो वीएम से बड़ा है, है ना? तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है उसमें क्लियर है कि डिनोमिनेटर छोटा है, सी बड़ा है, है ना? तो ये क्या होगा, हमेशा रेशियो ग्रेटर देन 1 मिलेगा हमको। मीन्स किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, वैक्यूम या एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 के बराबर लेते हैं। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात करें तो देखिए, चूंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो दोनों का यूनिट कट जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। क्लियर है? अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें दो मीडियम दिए हुए हैं, मान लीजिए मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1। ठीक, मीडियम 2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये N2 लिख दिया। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या होगा इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो इसका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, K
कि जिसका हम निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वैल्यू होगी ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो वैल्यू होगी नीचे, ठीक है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, n टू वन मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, सेकेंड का वन के रिस्पेक्ट में, क्लियर है। लेकिन अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन का निकालना चाहें टू के रिस्पेक्ट में इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, है ना, तो यहां पे भी जिसका निकालेंगे वो ऊपर होगा, तो यहां पे एन वन ऊपर हो जाएगा और जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया एन वन टू, ठीक। इसमें कोई दिक्कत? तो यहीं से एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन ये भी निकल के आता है कि अगर इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, एन टू वन तो है एन टू बाई एन वन और एन वन टू क्या है एन वन बाई एन टू, तो देखिए क्या मिलेगा, एन टू एन टू आपस में कट जाएगा, एन वन आपस में कट जाएगा, क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो इससे हम एक चीज कंक्लूड करते हैं कि चूंकि n2 into n1 टू इक्वल टू क्या वन, therefore n2 वन क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ n1 टू, या फिर n1 टू क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ n2 वन, ठीक है। इस कंसेप्ट को हमेशा के लिए याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, बच्चों को बहुत कंफ्यूज भी करता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस बेसिस पे आप कोई भी बुक ले लें, चाहे एनसीईआरटी लें या एससी वर्मा लें,